हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर नई सुबह पर हम लोग 10 प्रश्नों के, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, डिस्कस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप इसे एक लाइक और शेयर कर दें अपने सभी ग्रुपों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, NCERB का 35वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? आंसर होगा कोलकाता में NCERB का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब बात NCERB की है। NCERB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आंसर होगा ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें जानवरों की सुरक्षा के लिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें अभी भारत दूसरे पायदान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? आंसर होगा सुरजीत सिंह देसवाल ने BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अब यहाँ नाम BSF का आया है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में जन आरोग्य दिवस मनाया गया था। इसमें क्या होता है कि औषधियाँ, जितनी भी मेडिसिन हैं, इनको सस्ते दामों पर गवर्नमेंट 90% लेस करके 10% दामों पर बेचती है। अभी तक पूरे भारत में 700 जिलों में 6,200 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिससे लोगों को सस्ती दर पर दवाएं मिल सकें। सरकार का यही उद्देश्य है। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की है, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्फ हाफ ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? आंसर होगा टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, यही हैं टाइगर वुड्स, जिन्हें वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियमों का निर्माण करने की घोषणा की है? आंसर होगा असम राज्य सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियमों का निर्माण करने की घोषणा की है। बात असम की आई है तो असम की कैपिटल है दिसपुर और असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनवाल हैं, इतना आप लोगों को असम के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर होगा अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनकी पॉपुलरिटी जनता में बहुत अधिक होती है, इसीलिए जितने भी सेलिब्रिटी हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ताकि लोगों को ये आकर्षित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संत मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? आंसर होगा संत मुखोपाध्याय, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है, वे एक
प्रतिष्ठित अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किसने प्रगति पहल की शुरुआत की है? आंसर होगा फेसबुक ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है। फेसबुक की स्थापना 2 फरवरी 2004 को हुई थी और फेसबुक के संस्थापक तो यही हैं जिनकी तस्वीर दिख रही है, मार्क जुगरबर्ग, इन्होंने ही फेसबुक की स्थापना की थी। नेक्स्ट और आज की लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भावना डेहरिया बनी है। यही है पहली भारतीय महिला भावना डेहरिया, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है। इन्होंने होली के ही दिन वहां पर चढ़ाई कर ये सफलता प्राप्त की। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अपने सभी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर इसे शेयर करें ताकि जिन लोगों की ऐसे वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।